नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हैं जो किसी तारीफ के और नाम के मोहताज नहीं हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार भानु प्रताप जी, एक बात बताइए, बीजेपी ने अभी जो सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाई है, बहुत खूबसूरत है और सभी मीडिया वाले उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, आप एक अधिवक्ता हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, इसमें संदेह नहीं है कि सरदार पटेल जी ने देश को जब आज़ादी मिली और उसके बाद में जो कितने ही टुकड़ों में था उनको सबको इकट्ठा करके देश को इकट्ठा किया। ये ऐसा योगदान है सरदार पटेल का जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मेरा सरकार से ये कहना है, और मोदी सरकार जो अपनी पीठ ठोक रही है, थपथपा रही है, उससे सिर्फ इतना कहना है कि क्या सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाकर ही हम उनको सम्मानित कर सकते हैं, या उनके जो किए गए कार्य हैं या जो उनके दिशा निर्देश हैं, शिक्षाएं हैं हमारी, और जिस संविधान को पास कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उस संविधान के अनुसार ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है। दूसरी बात, हम किससे बना रहे हैं मूर्तियां? ये मूर्ति किससे बनवाई गई है? जो सरदार पटेल की विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा बना के आप सारी वाहवाही लूट रहे हैं और मीडिया पूरा आपकी, जैसा आप कह रहे हैं वैसी गुलामी आपकी कर रहा है, ये मूर्ति बनाई किसने? चाइना ने। आपने चाइना से बनवाई है, वही चाइना जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वही चाइना जो हमें जब चाहे आंखें दिखाता है, और आप अपनी जो है पर डींग भी मारते हैं कि चाइना को हम धूल में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसी चाइना के लोगों से आपने ये मूर्ति बनवाई और इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, और आपने वो तब किया कि जहां ये मूर्ति बनी है, लगी है, वहां पर जो आसपास के जो आदिवासी हैं, जो किसान हैं, उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती लेकर उनके विरोध के बावजूद उन्होंने जो आंदोलन किया वो दिखाया भी नहीं मीडिया ने, क्योंकि सरकार का गुलाम है मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने दिखाया नहीं उसको, उस आंदोलन को, और आप उनकी ज़बरदस्ती ज़मीन लेके आपने मूर्ति लगाई है। क्या इससे हम सरदार पटेल जी को सम्मानित कर रहे हैं? क्या वो सम्मानित महसूस कर रहे होंगे? इस तरह से सम्मान होता? मेरा बहुत साफ मानना है कि ये मूर्तियां लगाना, ये जगहों के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना, इस काम में कुछ नहीं रखा। असली काम वो है जिस काम को कहकर, जो वादा करकर सरकार यहां आई थी, वो रोजगार देने का काम, वो लोगों को सुरक्षा देने का काम, वो महिलाओं को सुरक्षा और तरक्की देने का काम, वो 15 लाख रुपए, वो भ्रष्टाचार, वो काला धन, इनको समाप्त करना, इसी पर तो आए थे ना। मूर्तियां लगाने के लिए तो नहीं आए थे आप। और ये मैं नहीं मानता कि क्यों सब ये सारे सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो भी राजनेता है बस मूर्तियां लगा के ही ये समझता है कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूं और मैंने देश का सबसे बड़ा काम कर दिया। मैं इस बात से हरगिज इत्तफाक नहीं रखता जिस तरह के कार्य ये सरकार कर रही है।